हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वैभव अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री पेपर 2020 का, वो भी फुली सॉल्व्ड। चलिए हम लोग अपने सेक्शन वन की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं आपके इंस्ट्रक्शंस, अगर आपने पढ़ने हैं तो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एलिमेंट विद हाइएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, द आंसर इज हीलियम। ओके, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इनर्ट इलेक्ट्रोड इज प्लैटिनम, आंसर इज बी। ओके, अ कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर, आंसर इज सी, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी दे आर आस्किंग फॉर एल्काइन्स विच इज ए। नेक्स्ट, स्टेट वन रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन For each of following, action of concentrated nitric acid on copper. तो बच्चे मैं यहाँ पे equation लिख रहा हूँ, nitric acid on copper. तो Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus H2O plus NO2. Balance करें तो यहाँ 2, 2 and 4. तो you have to write if copper reacts with concentrated nitric acid, then brown colored nitrogen dioxide gas is evolved. You have to write the observation. Next, excess ammonium hydroxide into copper sulfate. Since you have to write only the observation, it is not necessary that you have to write the equation. So, agar hum copper sulfate mein अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं बच्चे, तो यहाँ दो कंपाउंड्स बनते हैं, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चे, अगर हम ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, इन प्रोडक्ट्स में अगर हम एक्सेस में, इसमें अगर हम एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, बच्चे तो एक नया कंपाउंड बनता है CuNH3 होल ट्वाइस, होल NH3 होल 4 SO4, जिसका कलर होता है डीप ब्लू सोल्यूशन होता है ये, इसलिए यू हैव टू राइट देन डीप ब्लू सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट, थर्ड, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज पुट इन इथेनॉल, सोडियम मेटल को बच्चे अगर इथेनॉल में डालेंगे C2H5OH में, तो द कंपाउंड फॉर्म विल बी C2H5ONa विच इज सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो यू हैव टू राइट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। फिफ्थ, फोर्थ, जिंक कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, बेटा इफ वी हीट जिंक कार्बोनेट देन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, यू हैव टू राइट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, फिफ्थ, सल्फाइड ओर इज एडेड टू टैंक ऑफ ऑयल एंड वाटर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन, सो इफ यू एड सल्फाइड ओर टू टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर देन सल्फाइड ओर पार्टिकल्स विल गेट स्टिक टू द फ्रॉथ फॉर्म्ड बाय द एजिटेशन एंड द गैंज पार्टिकल्स विल गेट वेट विद वाटर एंड गेट्स सेटल्ड डाउन। सो यू हैव टू राइट द थ्योरी। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ईच। ओके, here we have to write only the equation, so I am writing the equation, reaction of carbon with concentrated nitric acid, I am writing the balance equation, it gives CO2 plus 2H2O plus 4NO2. okay, beneath each compound you have to write the compound name also, reaction of excess ammonia
with chlorine. Now you have to write 8NH3 ammonia is in excess plus chlorine gives N2 nitrogen gas plus ammonium chloride. Okay. Next, third part. Reaction of lead nitrate with ammonium hydroxide. Lead nitrate is PbNO3 whole twice plus ammonium hydroxide. Then compounds will be lead hydroxide plus ammonium nitrate, and this lead hydroxide has a precipitate which has chalky white PPT. Okay, next, reaction producing ethane from bromoethane. Okay, actually this reaction is in this reaction you have to use bromoethane, means 2C2H5Br. Reaction will be nascent hydrogen ZnCu in C2H5OH. It gives C2H6 plus HBr. Okay, fifth one. Combustion of ethane. Ethane is C2H6. Combustion may always it forms CO2 and H2O. If we balance the equation, then it will be 2746. Okay, proceeding to next part. Draw the structural formula for each of the following. Okay, D ka first. 2,2 dimethyl pentane. Here it is pentane. So first we will draw 5 carbon atoms in a straight line. Second carbon pe methyl hai and second carbon pe 2 methyl hai. Completing the hydrogen part, 3, 2, 2, 3. So this is 2,2 dimethyl pentane. Methanol. Methanol bache C pe OH laga hoga aur 3H honge. This is methanol. Third, isopropane. Bache, this is the question is wrong, third part, because there is no such compound exists with name isopropane. So you can write no such compound exists. Okay, write the UPAC name for following compounds. Acetaldehyde, UPAC name is ethanol. Acetylene, ethane. Next, graphite anode is preferred to platinum in electrolysis of molten lead bromide. The answer is, since graphite is unaffected by the reactive bromine vapors, that's why it is preferred to platinum in the electrolysis of molten lead bromide. Second, soda lime is preferred to sodium hydroxide in the preparation of methane. The answer is, it contains calcium oxide which keeps the NaOH dry. That's why it is used in the laboratory preparation of methane. Okay, next, hydrated copper sulfate crystals turn white on heating. Actually, copper sulfate crystals have formula CuSO4.5H2O which are blue in color. So if you heat them, the 5 molecules of water of crystallization get separated and anhydrous copper sulfate is left behind, which is white in color. Okay, next. Concentrated nitric acid appears yellow when it is left for a while in a glass bottle. Reason is that due to thermal decomposition, nitric acid decomposes to form nitrogen dioxide gas, which is reddish brown in color. Due to this gas, concentrated nitric acid appears yellow. Okay, next, hydrogen chloride gas fumes in air.
The answer is, due to high solubility, it mixes with atmospheric vapors to form mist as white fumes. That's why it fumes in moist air. Okay, students, the next question is from mole concept. They have given an equation 2CO plus O2 gives 2CO2. Ratio is 2:1:2 ml. They have asked the amount of each reactant to produce 750 ml of carbon dioxide. Okay, according to this, agar 2 ml carbon dioxide banani hai to 1 ml oxygen chahiye hogi, to agar 750 ml carbon dioxide banani hai to iski half yani 375 ml to oxygen chahiye and 750 ml carbon dioxide chahiye. Okay, next. Ye bol rahe hai, calculate the volume occupied by 80 gram of carbon dioxide at STB. We know bache carbon dioxide ka jo molecular mass hota hai wo 44 gram hota hai. It means that 44 gram of carbon dioxide occupies 22.4 liter. According to this, 80 gram of carbon dioxide will occupy 22.4 upon 44 into 80, that will be equal to 56 liter. Okay. Next question is, calculate the number of molecules in 4.4 gram of CO2. Again, we know that molecular mass of CO2 is 44. So, 44 gram of CO2 contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Then from unitary method, we have to find 4.4 grams of carbon dioxide will contain how much. So obviously it will contain 6.022 into 10 to the power 22 molecules. Okay, next question. State the law used in question first. So bache, the law which we have used in first question is Gay-Lussac's law of combining volumes. Okay, proceeding to our next question, that is, give one word or phrase for the following statement. A chemical bond formed by the shared pair of electrons, each bonding atom contributing one electron to the pair, this is single covalent bond. Okay, electrode used as cathode in electrode refining of impure copper. That will be of pure copper. Okay, substance prepared by adding other metals to base metal in appropriate proportions, that is called an alloy. Tendency of atom to attract electrons to itself when combined in a compound, that is called electronegativity. Okay, next, reaction in which carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of sulfuric acid. This reaction is called esterification. In this reaction, esters are formed which are sweet smelling. Okay, next question is fill in the blanks. The polar covalent compound in gaseous state that does not conduct electricity is carbon tetrachloride. Salt prepared by displacement reaction is ferrous chloride. Number of moles in 11 gram of nitrogen gas. Nitrogen gas ka bache jo molecular mass hota hai wo 28 grams hota hai. So 28 grams mein 1 mole hota hai. So we will find ki 11 grams mein kitne hoenge. 1 upon 28 into 11. That will come out to be 0.39. The answer is 0.39 mole. Okay, alkali which completely dissociates is lithium hydroxide. Alloy used to make statues is brass. Okay, proceeding to next one. Next question is of section 2. Second question is, for solving these three parts, first we have to write the electronic configuration. Iski ho jayegi 2, 8, 3, 7 ki ho jayegi 2, 5, 10 ki ho jayegi 2, 8.
They have asked which elements combines with hydrogen to form basic gas. बच्चे हमें मालूम है basic gas सिर्फ metals बनाते हैं, तो according to this सिर्फ P ही metal है, तो answer is P. Which element has electron affinity zero? हमें मालूम है noble gases की electron affinity zero होती है, और यहाँ पे R एक noble gas है क्योंकि इसके outer shell में 8 electrons हैं. Name the element which forms an ionic compound with chlorine. Ionic compounds metals बनाते हैं chlorine के साथ, तो again इन तीनों options में से सिर्फ P ही metal है अपने पास. Next, draw the electron dot diagram of compounds. Okay, बेटा इसमें ध्यान रखना है कि calcium oxide में calcium होता है और oxygen होता है, तो अगर एक के electrons dot से show कर रहे हैं तो दूसरे के आप cross से show करेंगे. तो calcium oxide का हम डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डायग्राम ऑफ कंपाउंड. इसमें कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र होते हैं. तो यहाँ पे कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम पे चार्ज 2+ का आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन कैल्शियम पे कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम पे 2+ चार्ज आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे और इस पे आ जाएगा 2- का चार्ज. नेक्स्ट, क्लोरीन मॉलिक्यूल. बच्चे क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दूसरे क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7, they will share one electron. This is the electron dot diagram of chlorine molecule. Next is water. Water का formula H2O होता है, इसमें बीच में oxygen होगी और दो तरफ hydrogen होगी. Hydrogen का एक एक electron, oxygen के 6 electron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this sharing will takes place like this. This is the electron dot diagram of water molecule. Okay, next, choose the correct word. Conduct electricity in aqueous or in molten state. This is an electrolyte. So answer is D. Loss of electron takes place at anode. Electrons का जब loss होता है तो बच्चे उसे oxidation कहते हैं. तो answer is A. Reducing electrode is cathode. तो answer is B. Electrode connected to positive terminal is anode. So answer is C. Okay. Next. Bayer's process is used to concentrate bauxite ore to alumina. Give the balance reactions taking place for its conversion from bauxite to alumina. Okay, बच्चे मैं यहाँ equation लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए. यहाँ पे bauxite जो होता है उसका formula होता है Al2O3.2H2O. इसमें हम add करते हैं NaOH, तो बनता है products में 2NaAlO2 plus 3H2O. This is sodium aluminate and 3H2O. जो products बन रहे हैं आपके पास NaAlO2 और H2O, इसको आपने heat करना है 50 degree Celsius पे, तो दो नए products बनेंगे. This will be sodium hydroxide and aluminium hydroxide. And जो नए products बने हैं sodium hydroxide, उसमें से aluminium hydroxide लेंगे और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे. देन इट विल फॉर्म Al2O3 एंड 3H2O. सेकेंड इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे NaOH ये बैलेंस हो गई. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट. ये आपको Al2O3 यानी यहाँ पे मिल गया आपको एल्युमिना. ओके, बी पार्ट. पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सो एसिटिक एसिड कंटेन्स ग्रेटर ग्रेटर कंसेंट्रेशन. ओके, नेक्स्ट. द इंडिकेटर विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ HCl गैस, दैट इज फिनोक्थिलीन विच रिमेन्स कलरलेस. द एसिड विच कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑब्वियसली कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड here we comes on match the following. Hydrogen sulfide turns moist red litmus paper blue. So answer for first part is D. Second part
नाइट्रिक ऑक्साइड टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आंसर इज सी. कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सो आंसर इज बी. एंड सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन, सो आंसर इज ए. प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट में डिफ्रेंशिएट करना है यूजिंग डिपेंडिंग ऑन कंडक्टिंग पार्टिकल्स. ओके, वी नो इन कंडक्टर द कंडक्टिंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिंग पार्टिकल्स आर आयंस. ओके, नेक्स्ट, कैटाइंस एंड आयंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एन एटम. ओके, कैटाइंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, व्हाइल एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट, एसिड, एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस एच प्लस आयंस, व्हाइल एल्कली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस ओ एच माइनस आयंस. नेक्स्ट, वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटेन. वी नो पेंटेन हैव थ्री आइसोमर्स. पहले वाले आइसोमर में तो सारे कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में होंगे, दूसरे वाले में आपके दूसरे वाले में आपके ये जो कार्बन होंगे इसमें चार स्ट्रेट लाइन में होंगे और एक सेकंड पे ऐसे लगा होगा. तीसरे आइसोमर में तीन स्ट्रेट लाइन में होंगे और दो ऐसे लगे होंगे. हाइड्रोजन पूरे कर दें हम इस पे, तो इस पे थ्री टू 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 थ्री, दिस इज थ्री टू टू वन थ्री एंड थ्री. इस पे हर कार्बन एटम पे तीन तीन हाइड्रोजन एटम लगे होंगे एक्सेप्ट द मिडिल वन. इसका नाम होगा एन पेंटेन, इसका नाम होगा आइजो पेंटेन और इसका नाम होगा नियोपेंटेन. ओके, नेक्स्ट, गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद सुटेबल कंडीशंस. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड, हाइड्रोजन गैस क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओके. इसमें बच्चे हमने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाना है HCl, तो हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कंसेंट्रेटेड, बट टेम्परेचर शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, देन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज प्रोड्यूस अलोंग विद HCl गैस. दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. कंडीशन यही है कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why concentrated sulfuric acid is used instead of concentrated nitric acid? बच्चे यहाँ sulfuric acid इसलिए use करते हैं क्योंकि sulfuric acid non-volatile होता है जबकि nitric acid volatile होता है, उड़ जाता है. Okay, how the gas is collected? Gas is collected by upward displacement of air. Name the drying agent not used for drying this gas. ऑब्वियसली गैस क्योंकि एसिडिक है तो हम इसमें बेसिक ड्राइंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड. ओके ओके, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 7. वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑल द थ्री इक्वेशंस, प्लीज चेक द आंसर. इन फर्स्ट वी हैव टू prepare copper sulfate, in second we have to prepare zinc carbonate, in third we have to prepare ammonium sulfate. Okay, here H2. Okay, next question is that, okay, next question is, name the following elements. An alkaline earth metal present in group 2 is, period 3 is magnesium. Trivalent metal used to make light tools is aluminium. Monovalent non-metal present in fluorspar is fluorine. Okay, next, what do you observe? Okay, in C question, they have given the diagram of electroplating in which we know that during electroplating, the cathode becomes thick while the anode becomes thin. So they have asked the observation. You have to write this observation. Okay, name the cation that remains as spectator ions in the solution.
is sulfate ions. And third question, which equation for the reaction at the anode is correct? Anode pay first reaction is correct. Okay students, these are the answers. Hope you have liked the answers. If you have liked the answers, please subscribe to my channel for more videos, and thanks for watching my video. Thank you very much.